अपने लखनऊ शहर में एक और नया फ्लाईओवर बनके तैयार हो गया है, जो कि रिंग रोड पर है टेढ़ी पुलिया चौराहे पर। यह पूरा का पूरा 1.5 किलोमीटर लंबा है। हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम चौरसिया। मैं कैसे हैं आप? इस नए फ्लाईओवर का जो लोकार्पण है वो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी करेंगे अभी थोड़ी देर में। यह फ्लाईओवर फरवरी 2019 से बनना शुरू हुआ था और मार्च 2021 में बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। आज इसका लोकार्पण होगा और आज इस पे लोग फर्राटा भरने लगेंगे। इस फ्लाईओवर के बन जाने से आसपास के क्षेत्र कम से कम 1 लाख लोगों को जाम से निजात मिलेगी। से तुलसी रोड हो गया, टेढ़ी पुलिया, कल्याणपुर, विकास नगर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर जो ज़्यादा जाम लगता था वो सब जाम अब नहीं लगेगा। बस कुछ ही देर में इस पुल का लोकार्पण होगा। जब इस फ्लाईओवर का आधा काम हो गया तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी होगी तो आई बटन में लिंक दे देंगे, आप वहां पर देख लीजिएगा। आधा काम हो रखा था। इस पूरे फ्लाईओवर में लागत लगी है 96 करोड़ की जो लगी है, जो पूरा का पूरा 4 लेन का पुल है। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे कितना ज़्यादा जाम लग रहा है। पुल शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे जाम का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह जा रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं की गाड़ी का काफिला आगे जा रहा है और उसके पीछे और भी गाड़ियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख रहे हैं ना, सारी गाड़ियों का काफिला, सारे मंत्रियों का काफिला यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पुल का लोकार्पण देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और पुल के दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है। अगर पुलिस बल नहीं होता तो ये लोग सब पुल पे ही चढ़ जाते हैं। यहाँ पे भीड़ तो देखे भाई साहब कितनी ज़्यादा हो रही, कितने ज़्यादा लोग आए थे लोकार्पण में पुल का उद्घाटन देखने के लिए। अगर यह छोटी सी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम इसी तरह आपको जानकारी वाली वीडियो ला के देते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।